यदि किसी को मार देना पाप है, किसी को गाली देकर के उसका दिल दुखा देना पाप है, तो बताओ किसी को कथा सुनाकर उसके मन को अपार शांति प्रदान करना क्या ये पुण्य नहीं है? यदि गाली देकर किसी का दिल दुखाना पाप है, पाप मनसा वाचा कर्मणा, पाप कितने प्रकार के होते हैं? मनसा वाचा कर्मणा, तीन प्रकार के पाप कितने प्रकार के होते हैं? पाप कितने प्रकार के होते हैं और पुण्य कितने प्रकार के? पुण्य भी तीन प्रकार के, मनसा वाचा और कर्मणा। ये मनसा मतलब क्या है? मन से आपने सोचा, जैसे आपने मन में सोचा मेरी पड़ोसन बड़ी दुष्ट है, मर जाए, मेरा पड़ोसी बड़ा नालायक, उसने मेरा बुरा किया, सत्यानाश हो जाए इसका, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। ये जो आप कर कुछ नहीं रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं, ये मनसा है। अच्छा, आपने मन से ये सोचा मेरा पड़ोसी बहुत गरीब है, हे भगवान उसकी बेटी का अच्छे से ब्याह हो जाए, मेरा पड़ोसी बड़ा गरीब, उसको खूब धन मिल जाए, खूब सुखी हो जाए, भगवान उसको भी घर दें। ये आपने मन से या तो उसके बारे में गलत सोचा या तो मन से उसके बारे में, और पड़ोसी मैंने एक एग्जाम्पल दिया, किसी भी तरह से आप सोच सकते हैं। जो आप मन से सोचते हैं अच्छा या बुरा, तो अच्छा सोचना पुण्य है और बुरा सोचना पाप। तो मनसा ये है, मन से सोचा हुआ कोई भी का, आपने किया कुछ नहीं बस सोचा, तो इसलिए सोचो तो अच्छा सोचो। मन से किसी के बारे में गलत सोचना भी पाप है। यहां बैठी लड़कियां, यहां बैठी स्त्रियां, यदि किसी के लिए भी मैं मन में भी ये सोच लूं, गलत भाव सोच लूं, या आप सोच लीजिए किसी भी पुरुष के लिए, आपने उसको छुआ नहीं लेकिन सोच तो लिया, तो वो सोचना भी पाप है। ये भी पाप है। ये कौन सा पाप है? मनसा। ये पाप है। और अच्छा सोचा है आपने कि भगवान मन से आपका भला हो, भगवान इसके सुखी रखे, इसका अच्छा हो सब, तो ये पुण्य। अब दूसरा चलते हैं, मनसा वाचा। वाचा मतलब वाणी से, आपने किसी को अच्छे शब्द बोल दिए कि तुम चिंता ना करो हम तुम्हारे साथ हैं, वाणी से किया गया पुण्य और वाणी से किया गया पाप। आपने किसी को जलील कर दिया, किसी को गाली दे दी, तो बताओ उसका दिल दुखा के नहीं, और दिल दुखा तो वो आपके लिए दुआ देगा कि बददुआ देगा, फिर वो पाप है कि नहीं? भाई मैं आपको गालियां देने लग जाऊं, आपका अपमान करने लग जाऊं, तो निश्चित ही आपके अंदर से मेरे लिए बददुआएं निकलेंगी या किसी के लिए, वो पाप है। और अच्छा मैं आपको अच्छा कहूं, आप वाकई अच्छे हैं और आपको अच्छा कहूं, आपके काम को समाज में रखूं कि आपने ये काम किया, ये सुंदर किया, और आपकी समाज में जय जयकार हो, तो आप खुशी हो जाएंगे, आपका रोम रोम मुझे आशीर्वाद देगा, वो पुण्य है। अपनी वाणी से किसी, अच्छा ये बताओ, आप अपनी वाणी से किसी को खुश भी कर सकते हैं और किसी को दुख भी दे सकते हैं, ये बात सही है या गलत है? के? आप अपनी वाणी से किसी को खुश भी कर सकते हैं और किसी को दुख भी। कहते हैं गोली के घाव भर जाते हैं पर बोली के घाव नहीं भरते, तो बोली मार डालती है। अरे बोली ने महाभारत करा दिया, अंधों के अंधे होते हैं, यही तो बोली थी माता द्रौपदी, हाँ या ना? तो बोली ही तो लग गई, कह कही मंचरा ने बोली, कह कही को बोला ही तो, बोल बोल के भड़का दिया, बोल बोल की तो भड़का है, वो शब्द ही तो बोली थी ना मंचरा ने कह कही को। तो मनसा वाचा, मंथरा के वाचा ने राम को वनवास भेज दिया, बोलो हाँ या ना? मंथरा के वाचा ने राम को, तो वाचा में ताकत है या नहीं?
शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है मेरी माँ, यही समुन्द्र के वो मोती हैं जिनसे इंसानों के इंसानों को पहचान होती है मेरी माँ। ये शब्दों में बड़ी जान होती है, ये शब्द हमारी और आपकी दोस्ती भी करा सकते हैं और ये शब्द हमारी और आपकी दुश्मनी भी करा सकते। इसलिए मनसा वाचा और तीसरा है कर्मणा। मैंने आपके लिए कुछ सोचा नहीं अच्छा बुरा, मैंने आपको कुछ बोला नहीं अच्छा बुरा, और सीधे आपके पास जाके मैंने एक तमाचा जमाया आपके गाल में, तो ये कर्मणा है। मैंने कर्म कर दिया, आपको मार दिया, और मैंने आपके बारे में कुछ सोचा नहीं, आपके बारे में कुछ बोला नहीं, पर मुझे लगा कि आप भूखे हैं तो मैं रोटी लेकर गया और आपके सामने मैंने रख दी आपको जरूरत की रोटी की। एक कर्म ये है कि मैं इन हाथों से आपके लिए रोटी लाऊं, और एक कर्म ये है कि मैं इन हाथों से आपके गाल में तमाचा मारूं, या इस हाथ से डंडा लेकर जाऊं और आपके पांव में मार दूं, आपकी टांग तोड़ दूं या आपका सिर तोड़ दूं। एक